हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टेरेंस पॉडकास्ट। हम सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी जैसे मैच को स्टाइल में फिनिश करते हैं, वैसे ही स्टाइल में हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड एनालिसिस से। मेरे साथ है आराध्य। सो आराध्य, व्हाट्स योर टेक ऑन द CSK स्क्वाड, खास करके न्यू बॉयज को लेकर? हाय निशान, इस साल CSK का स्क्वाड मुझे बहुत ही बैलेंस लग रहा है। मोइन अली और के गौतम पे CSK ने बहुत ही स्पेंड किया है ऑक्शन में। मोइन अली और गौतम को मिला के करीब 16.4 करोड़ स्पेंड किया है ऑक्शन में। मोइन अली एक अच्छी बाय है क्योंकि वो 6-7 नंबर पे बैटिंग करते हैं और जरूरत पड़ने पर वो ओपन भी कर सकते हैं CSK के लिए, और बॉलिंग भी अच्छी करते है। के गौतम भी सिमिलर टाइप के प्लेयर है क्योंकि वो भी 6-7 नंबर पे बैटिंग करते हैं, और उनको अगर हम मोइन अली का इंडियन वर्जन कहे तो गलत नहीं होगा। चेतेश्वर पुजारा काफी इंटरेस्टिंग बाय लगा मुझे, क्योंकि वो काफी सालों से IPL में खेले नहीं है और इस फॉर्मेट से भी काफी दूर है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि MSD उनका किस तरह से किस पॉइंट पर इस्तेमाल करते हैं। और उथप्पा एक अच्छे बैकअप ऑप्शन लग रहे हैं मुझे ओपनिंग स्लॉट के लिए। और बात करूं इंडियन बायज की, जो 3 प्लेयर्स इस साल CSK ने लिए हैं, हरिशंकर रेड्डी, भगत वर्मा, हरि निशांत, वो भी अच्छे ही प्लेयर्स हैं, लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता उनका कोई चांस होगा। और CSK का ऑक्शन के दौरान मैक्सवेल के लिए ऑल इन जाना काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि दे नीड समवन टू फायर इन द मिडल। आपको क्या लगता है, मैक्सवेल जैसा रोल कौन प्ले कर सकता है और CSK का बेस्ट बाय कौन लगता है? मेरे ख्याल से मोइन अली वुड बी द बेस्ट बाय फॉर CSK दिस ईयर। आई थिंक द सेम कि मोइन अली ही CSK के बेस्ट बाय है इस ऑप्शन में, क्योंकि CSK की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो वो है उनके ऑलराउंडर्स सैम करन, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, वेन ब्रावो, तो बहुत ही स्ट्रांग ऑलराउंडर्स का ग्रुप है उनका। और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो सैम करन हमने देखा रिसेंटली इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए, और लास्ट ODI में उन्होंने करीब करीब सिंगल हैंडेडली मैच जिता दी थी इंग्लैंड को। उनका फॉर्म CSK के लिए इनिशियल मैचेस में बहुत क्रूशियल होगा। जडेजा और ब्रावो का एक्सपीरियंस CSK के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। बैकअप्स के तौर पर मोइन अली, सैंटनर और गौतम जैसे तो प्लेयर्स है ही उनके पास। राइट, और सैम करन का कंपैरिजन भी MS धोनी के साथ हुआ था उनकी लास्ट पारी जो थी इंडिया के साथ। राइट, बट इट इज टू अर्ली टू कंपेयर। ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली। और मैं इस पॉइंट पे शार्दुल ठाकुर की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी और इंडिया में भी इंग्लैंड के साथ उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की ही है, लेकिन जो भी चांस उनको बैटिंग में मिला है उसमें भी उन्होंने क्विक रन्स इंडिया को निकाल के दिए थे, तो उनका परफॉर्मेंस भी क्रूशल रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके हिसाब से CSK का इस साल का बेस्ट ऑलराउंडर कौन रहेगा? सर, रविंद्र जडेजा फॉर श्योर। यस, मेरा भी पिक सेम है, वन एंड ओनली रविंद्र जडेजा। अगर कंपेयर करें पिछले साल से तो इस साल टीम बेटर तो लग रही है ऑन पेपर, लेकिन फिर भी इस साल मैच प्रैक्टिस एक माइनस पॉइंट मुझे लग रहा है, जो कि पिछले साल भी था। राइट, पिछले साल की तरह इस साल भी CSK को सेम प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि MS धोनी भी लंबे अरसे से कम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेले। सुरेश रैना और राइडू अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले पर वो अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं नजर आए। ब्रावो अपने इंजरीज की वजह से पिछले पूरे साल बाहर थे, तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है CSK के लिए, पर उनके प्लेयर्स का एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो आई थिंक दे विल फाइंड अ वे। और दूसरा एक पॉइंट मुझे लग रहा है आराध्य, वो है न्यूट्रल वेन्यूज का, आपका क्या ओपिनियन है? न्यूट्रल वेन्यूज का कई टीम्स को फायदा होगा, जैसे कि RCB, उनके बॉलर्स तो बहुत रिलीव्ड होंगे कि उनको चिन्नास्वामी पर बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। पर CSK अपनी टीम चिदंबरम के विकेट्स को दिमाग में रख के बनाते हैं जैसे कि हमने देखा है, इसलिए वी कैन फाइंड सिमिलर स्क्वाड एवरी ईयर, और उनके रिप्लेसमेंट्स भी लाइक टू लाइक होते हैं। न्यूट्रल वेन्यू डेफिनेटली CSK के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, हमने लास्ट ईयर UAE में भी देखा उनके कॉम्बिनेशंस वर्क नहीं कर रहे थे। CSK के पहले 5 मैचेस मुंबई में है, विच इज अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, उसके बाद वो बैंगलोर में 3 मैचेस खेलेंगे, विच इज अनदर हाई स्कोरिंग वेन्यू, तो ये डेफिनेटली CSK की बैटिंग डेप्थ और डेथ बॉलिंग को टेस्ट करेगा। लेकिन आराध्य, लास्ट ईयर जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि उनके पास सुरेश रैना एब्सेंट थे, और इस साल
चिन्ना थाला सुरेश रैना इज बैक, तो मेरे ख्याल से सुरेश रैना के वापस आने से सीएसके कैंप में और खासकर बैटिंग लाइनअप में एक नया जोश आ गया होगा, क्योंकि रैना के आने से नंबर थ्री पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई है और उस वजह से बाकी बैट्समैन भी खास करके राइडू और एमएसडी उनके ओरिजिनल पोजीशन पे खेल सकते हैं। उनका बैटिंग लाइनअप इस वजह से काफी अच्छा हो गया है, मतलब उस अराउंड सुरेश रैना के अराउंड बिल्ड हो सकता है इफ वी कंपेयर टू द लास्ट ईयर। डेफिनेटली, क्योंकि और इस साल सीएसके के मैनेजमेंट को भी क्लैरिटी होगी कि कौन किस पोजीशन पे बैटिंग करेगा और कॉम्बिनेशंस क्या हो गए अनलाइक लास्ट ईयर। सो निशांत, अकॉर्डिंग टू यू सीएसके के बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होंगे इनिशियल गेम्स के लिए? मेरे हिसाब से सीएसके को सेफ ऑप्शन के साथ शुरुआत करनी होगी। फॉर फॉरेन प्लेयर्स की बात करूं तो फाफ डुप्लेसी, सैम करन, ब्रावो और इमरान तहिर को लेकर बेस्ट 11 बन सकती है, आपको क्या लगता है? राइट, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस वो मोइन अली को भी चांस दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो फिक्स है, फाफ डुप्लेसी और उत्तराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, रैना विल बैट एट नंबर थ्री, राइडू एट फोर। मुझे पर्सनली लगता है कि एमएस धोनी को नंबर पांच पे बैटिंग करनी चाहिए और फिनिशर का रोल जो वो इतने साल से प्ले करते आ रहे वो जडेजा या सैम करन को पास ऑन करना चाहिए। तो व्हाट इज योर टेक ऑन एमएस धोनी? वेल, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ और ये कॉम्बिनेशन अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो इस साल सीएसके के पास बैकअप ऑप्शन है और अच्छे ऑप्शन है। देखना होगा कि कौन सीएसके का इस साल का बेस्ट प्लेयर बन के आता है। मेरे ख्याल से सुरेश रैना वुड बी द बेस्ट प्लेयर फॉर सीएसके दिस ईयर। भूखा शेर है तो मैं उसके साथ जाऊंगा। व्हाट्स योर टेक? आई थिंक अंबती राइडू सीएसके के लिए इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। ओके, सो निशांत लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू यू इस साल सीएसके पॉइंट्स टेबल पर कहां फिनिश करेगी? मुझे लगता है इस साल सीएसके फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर फिनिश करेगी। मैं श्योर नहीं हूं वेदर इट विल क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स और नॉट। बीइंग अ सीएसके फैन मैं तो चाहता हूं कि सीएसके टाइटल जीते, बट एनीवेज व्हाट अबाउट यू? आई थिंक कि वो क्वालिफाई करेंगे एट नंबर थ्री। आई कैन से दैट बीइंग आरसीबी फैन एनीवेज, पर उनके टाइटल जीतने के चांसेस के बारे में मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। ओके, तो आराध्या ये थे हमारे प्रेडिक्शंस। असल में क्या होगा ये तो हमें टूर्नामेंट के बाद पता चल ही जाएगा। मैं अपने व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनके प्रेडिक्शंस कमेंट करके हमें बताएं। ओके, सो इसी पॉइंट पे इट्स टाइम फॉर अस टू साइन ऑफ। दिस इज आराध्या और मेरे साथ है निशांत। कल फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ।